नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ऋतु। विजयदशमी कहे, दशहरा कहे या फिर सत्य पर असत्य की विजय का पर्व, पूरा देश आज बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक इस महापर्व को मना रहा है। इंडिया वॉइस की तरफ से आपको भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अयोध्या वापसी के मौके पर मनाए जाने वाले इस पर्व की हार्दिक बधाई। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि देश से अलग 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 हिस्सों में कि कुछ क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, जो बताने के लिए काफी है कि इस महापर्व की देश भर में किस तरह से तैयारियां चल रही है। इन 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको विजयदशमी पर्व की तैयारियों का आंखों देखा हाल दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, तो दूसरी तस्वीर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। ताज नगरी आगरा की तस्वीर भी हम आपको सामने दिखा रहे हैं, जिसमें कि संगम नगरी यानी कि प्रयागराज से भी दशहरा पर्व की तैयारियों का सीधा हाल हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और उत्तरांचल की राजधानी देहरादून से भी आप दशहरे की तैयारियों की सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। ये जो आप तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस तरह हमें दिल्ली, राजधानी दिल्ली, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, देहरादून समेत कई अन्य शहरों में देश भर में आज महाविजय का महापर्व मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है विजयदशमी। जिस तरह से रावण दहन किया जाएगा आज, और इसी के साथ रावण दहन के साथ आज बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाएगी। ऐसे में पुरातन काल से हम देखा जाए तो पुरातन काल से यह प्रथा चली आ रही है, जहां पर महाविजय का पर्व माना जाता है विजयदशमी को। और ऐसे में लंकापति रावण का जो दहन किया जाता है, उसके जरिए संदेश दिया जाता है कि सोसाइटी में और जो समाज में जो कुरीतियां हैं, और आज उसका दहन करके रावण के साथ हम सारी बुराइयों का अंत करके सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत करवाते हैं। और ऐसे में बुराइयां खत्म करके अपने अंदर की अच्छाइयां और पूरे समाज में अच्छाइयों को समेटते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये पर्व आज हम मना रहे हैं। साथ में दशहरा में देश भर में धूम देखी जा सकती है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, देहरादून समेत कई अन्य शहरों में, कई अलग अलग जगहों पर किस तरह से रावण का दहन किया जाएगा, साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ का भी दहन किया जाएगा। पुतलों की तैयारी की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग शहरों में महाविजय का महापर्व जिस तरह से हम मना रहे हैं, इसी कड़ी में आपको बता दें, दशहरा पर देश भर में जहां एक ओर रावण का पुतला दहन किया जाता है, वही बदायूं में भी एक ऐसा मंदिर है जहां साल भर तो रावण की पूजा होती है, लेकिन विजयदशमी के दिन ये मंदिर बंद रहता है। रावण का ये अनोखा मंदिर 125 साल से ज्यादा भी पुराना है। आपको बता दें कि ये अनोखा मंदिर बदायूं में स्थित है। विजयदशमी पर रावण को बुराई का प्रतीक मानकर रावण के पुतले का दहन किया जाता है, लेकिन हम आपको बदायूं के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताते हैं जहां लंकेश की विधिवत पूजा की जाती है। दरअसल बदायूं शहर के बीचों बीच स्थित साहूकार मोहल्ले में रावण का बहुत प्राचीन मंदिर है। दशहरे के दिन इस मंदिर के कपाट नहीं खोले जाते। इस मंदिर की स्थापना पंडित बलदेव प्रसाद ने लगभग 125 साल पहले की थी। इस मंदिर में रावण की आदमकद प्रतिमा स्थापित है, जिसके नीचे शिवलिंग की स्थापना की गई है। मंदिर के दाएं तरफ भगवान विष्णु की प्रतिमा है। मंदिर में रावण की प्रतिमा को भगवान शिव की आराधना करते हुए स्थापित किया गया है। इस मंदिर में रावण के अतिरिक्त जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है, उनका आकार रावण की प्रतिमा से काफी कम है। मैं छोटा था, आज से लगभग 50 साल पहले, बल्कि और पहले 60 साल पहले,
बहुत छोटा था तो मैं उनके यहाँ जाता था, जो कन्या वगैरह जो माते हैं ना उसमें नवरात्रि में, तो उसमें जाता था। उस समय जो इसके संस्थापक थे श्री बलदेव सिंह शर्मा, बलदेव शर्मा वो जीवित थे, और जितने भी ये गांधी ग्राउंड के अंदर राजधारी आते थे यानी जो रामलीला करने आते थे उनको जुमाते भी थे, और उनके प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी भगवान श्री राम। फिर उन्होंने रावण मंदिर रखा, और उसका कारण मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं डरता था उनसे, तो मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े थे, तो वो कहने लगे ऐसा है कि रावण विद्वान था, रावण जानता था कि मैं ऐसे राम को नहीं जीत सकता, ऐसे मुझे स्वर्ग लोक में कभी नहीं जा सकता, मेरा मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए रावण के लिए मतलब ये उसने सोचा कि मैं राम के साथ युद्ध करूँ। लेकिन वो भगवान शिव का भक्त था और भगवान राम भी शिव के भक्त थे, उन्होंने श्वेत वर्ण रामेश्वर वगैरह कई मंदिर बन पाए, शिव जी की बहुत सारी पूजाएँ मतलब बहुत बार पूजा उन्होंने की है, तो इस नाते उन्होंने शिव भक्त के रूप में भगवान विष्णु की मूर्ति भी वहाँ पर स्थापित की है, और शिव जी भगवान की मूर्ति मतलब शिव जी भगवान का पिंड भी है और रावण की मूर्ति है, भगवान शिव की पूजा करते हैं। प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर विष्णु प्रकाश सिंह बताते हैं कि लगभग 125 साल पहले इस अनोखे मंदिर की स्थापना करने वाले पंडित बलदेव का तर्क था कि रावण बहुत ज्ञानी था, वो जानता था कि माता सीता लक्ष्मी जी का और श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है, इसीलिए वो भक्ति के लिए सीता माता का हरण करके लाया था ताकि लंका में साक्षात लक्ष्मी का वास हो और लंका में सुख समृद्धि सदा कायम रहे। ऐसे सबकी पूजा करते हैं वैसे ही हम रावण की भी पूजा करते हैं, अलग से कुछ नहीं करते। कुछ लोगों का कहना है कि हम रावण के बंसी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे नहीं पता कभी रूपा जी ने किस उद्देश्य से बनवाया, उनका क्या पर्पस रहा, ये मुझे नहीं पता। मंदिर कितने साल पहले बनवाया गया था? लगभग 100 साल होने जा रहे हैं। जैसे हम किसी की पूजा करते हैं उसे आदर्श मानते हैं जी, तो क्या रावण में आपको पूजा नजर आ रही है? यही है, जिसकी शादी नहीं हो रही है बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं शादी मतलब पूजा कर जाते हैं, उनकी शादियाँ जो मनोकामना हो पूरी होती है। आज हिंदुस्तान में दिया है उन्होंने गलत दिया है कि दशहरे वाले दिन मंदिर बंद रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं, मंदिर बंद नहीं रहता। दिल्ली से, लखनऊ से, बिजनौर से, मध्य प्रदेश से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, जब आते हैं तब पता चलता है कि हम वहाँ से आए। मंदिर को लेकर क्या क्या मान्यता है? ये मतलब देखिए पुराना हो चुका है, आपकी जो मनोकामना हो आप कह जाइए तुरंत, अब आपको कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई मतलब देखें आप कोई छेद नहीं है, कोई दराज नहीं है, कुछ भी नहीं, कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, और फिर भी पता नहीं कभी कभी कहीं से सांप के बच्चे अपने आप ही देखते हैं उनको, ये अनुभव किया मतलब निकला है इसलिए पता नहीं। ऐसा साल में कभी होता है या फिर किसी मौसम में होता है या कभी नहीं? साल में कभी हो जाता है, ऐसे ही ऊपर है बिल्कुल सांप है उससे ही गिरेगा अपने आप। मंदिर परिसर के करीब रहने वाली इस मंदिर के पुजारिन रश्मि शर्मा ने बताया कि भारतीय संस्कृति में रावण को बुराई का प्रतीक माना गया है, विजयदशमी के दिन रावण के इस मंदिर के कपाट पूरी तरह बंद रहते हैं और रावण को आदर्श मानने वाले लोग इस दिन अपने घर में कोई खुशी नहीं मनाते। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्म प्रधान देश है, देश के अलग अलग प्रांतों में कई देवी देवताओं के मंदिर है, पूजा भले ही अलग अलग देवी देवताओं की होती हो लेकिन पूजा दरअसल देवत्व गुणों की ही होती है। बदायूं से इंडिया वॉइस के लिए सौरभ पाल की रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई का पर्व यानी कि दशहरा का पर्व यूं तो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, मगर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा गांव भी है जहां पर यह पर्व नहीं मनाया जाता है, उल्टा बुराई के प्रतीक माने जाने वाले लंकापति रावण की पूजा होती है। कौन सा है ये गांव? आइए आपको बताते हैं रावण की पूजा करने और विजयदशमी नहीं मनाने के पीछे की वजह क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जहां नहीं मनाया जाता
विजयदशमी का त्योहार। वो विजयदशमी का पर्व मनाना अभिशाप मानते हैं। वो बुराई के प्रतीक रावण का पूजन अर्चन करते हैं। उनके लिए रावण बुराई का दूसरा नाम नहीं बल्कि आस्था का केंद्र है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे संभव है कि हिंदू प्रधान भारत देश में भला कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बजाय बुराई के प्रति लंकापति रावण की अर्चना करे, भला ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन ये सच है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में एक गांव है विशाख। इस गांव के लोग इसे लंकापति रावण का गांव मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि रावण का जन्म यही हुआ था। रावण के पिता विश्वा ऋषि ने यहाँ पूजा की थी, तब जाकर रावण का जन्म और शिक्षा दीक्षा इसी गांव में हुई। इतना ही नहीं, इसी गांव में रावण के बाद कुंभकर्ण, स्तूपनखा और विभीषण का भी जन्म हुआ था। ग्रेटर नोएडा का विशाख गांव ही ऐसी जगह है जहां देश का एकमात्र अष्टभुजी शिवलिंग है। ऐसी मान्यता है कि इसकी स्थापना रावण के पिता ने की थी। विशाख रावण के पिता विश्वा ऋषि का गाँव था, उन्हीं के नाम पर इस गाँव का नाम विशाख पड़ा। रावण के पिता विश्वा ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने राक्षसों की राजकुमारी कैक्सी से विवाह किया था। अष्टभुजी शिवलिंग के साथ यहाँ पर रावण की भी पूजा होती है। रामलीला इसलिए है ना मनाई जाती है कि यहाँ का जो विशेषर थे, जो रावण जी के पिताजी थे, वो यहीं के रहने वाले थे और उन्होंने रावण का जो जन्म था यहीं का था। वो तो अभी भी कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है हमारे गांव में, कोई रावण को नहीं ध्यान नहीं करा जाता है, रावण को ही पूछते हैं। ठीक है, कब से परंपरा चली आ रही है, ये पुरानी चली आ रही है। रावण का जन्मस्थल होने के कारण यहाँ के ग्रामीण रावण को अपना बेटा मानते हैं। इसीलिए यहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, न ही विजयदशमी का त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। लोगों का दावा है कि गांव के लोगों ने यहाँ दो बार रामलीला का आयोजन किया, लेकिन दोनों बार किसी न किसी प्रकार से अनहोनी हो गई। इसीलिए यहाँ कभी भी रावण का दहन नहीं किया जाता और न ही विजयदशमी का पर्व यहाँ पर मनाया जाता है। विजयदशमी के दिन हमारे संवाददाता नितिन चौधरी ने गांव विसरख जाकर जायजा लिया और ग्रामीणों से बात की तो उनका साफ कहना था कि हमारी आस्था अभी भी रावण में है, उन्हें हम अपना पूर्वज मानते हैं। एक बार रामलीला हुई थी यहाँ, यहाँ हवेली पे हमारे यहाँ रामलीला हुई, उसके बाद नहीं है। क्या हुआ आखिरकार उसके बाद नहीं? कुछ नहीं हुआ, अच्छा। लोग बाबों को रुचि नहीं है और क्या है। तो यहाँ पर पूजा किसकी होती है? राम की पूजा होती है और मंदिर भी बना है। मंदिर बना है विश्वक में बने मंदिर के पुजारी प्रिंस मिश्रा ने भी दावा किया कि वर्षों से चली आ रही परंपरा अभी तक विश्वक गांव में बरकरार है। कुछ दिनों पहले इस परंपरा को तोड़कर गांव में रामलीला हुई, लेकिन अनहोनी के बाद रामलीला का मंचन बंद करना पड़ा। ये रामलीला का मंचन नहीं होता है, ना ही यहाँ रावण जलाया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ रावण को अपना इष्ट मानते हैं, पूर्वज मानते हैं, इसके कारण यहाँ रावण का मंचन नहीं होता है, ना ही रावण जलाया जाता है। बताया जाता है कि जो पूर्व में कोई ऐसी घटना हुई जिसके बाद यहाँ पर एक आधवार करने की कोशिश भी की गई थी रामलीला मंचन की, ऐसी कुछ? भैया यहाँ के लोग बाग बताते हैं, काफ़ी जो बुजुर्ग लोग हैं, काफ़ी साल पहले यहाँ रामलीला का मंचन होना चाहा, तो जो करवा रहे थे उनके यहाँ कुछ हानि हुई जिसके कारण से ये सब चीज़ें बंद। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ के लोग ही इस गांव को महत्व देते हैं, बल्कि अपनी आस्था के हिसाब से लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली, फैजाबाद, आगरा समेत तमाम अलग अलग जगहों से भी लोग इस गांव के प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। यहाँ से पहले से ही बड़े पूर्वजों से ऐसा हमारे यहाँ लग से नहीं ऐसा होता। हमने सुना था कि कभी कोशिश की गई थी यहाँ पर मनाने की, लेकिन एक बार रामलीला हुई थी यहाँ, यहाँ हवेली पे हमारे यहाँ रामलीला हुई, उसके बाद नहीं हुई। क्या हुआ आखिरकार उसके बाद नहीं? कुछ नहीं हुआ, अच्छा। लोग बाबों को रुचि नहीं है और क्या है। इस मंदिर के नीचे एक बड़ी सुरंग भी है जिसके बारे में बताया जाता है कि ये सुरंग गाजियाबाद के दुग्धेश्वर मंदिर तक जाती है। बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने इस गुफा को 32 फुट खुदवाया था।
लेकिन काफी गहरी होने के चलते खुदाई बंद करवा दी गई। तभी से अभी तक गुफा पूरी तरह से बंद है। सुरंग के अंदर किसी के भी जाने की अनुमति नहीं है। ये सुरंग काफी पुरानी है। लोग आस्था के अनुसार आते हैं यहाँ पर और पूजा अर्चना करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रावण और रावण के परिवार में विसर्ग वासियों की आस्था है। वो लोग उनका सम्मान करते हैं। देश दुनिया भले ही बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में विजयदशमी का पर्व मनाए, मगर ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव में लोगों के लिए लंकापति रावण आस्था और विश्वास का प्रतीक है। वजह जो भी हो, मगर इन ग्रामीणों के लिए लंकापति रावण बुराई का प्रतीक तो बिल्कुल नहीं है। ग्रेटर नोएडा से इंडिया वॉइस के लिए नितिन कुमार के साथ आकांक्षा त्रिपाठी की रिपोर्ट। बिसरख में विजयदशमी पर्व को लेकर क्या मान्यताएं हैं और क्या यहां लंकापति रावण को लेकर क्या कुछ सोचा और माना जाता है, इस पर गांव में मंदिर के पंडित जी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आकांक्षा त्रिपाठी ने। मंदिर के पंडित जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे तो तमाम सवाल जो जिनके बारे में लोग चर्चाएं करते हैं, तमाम जो मान्यताएं हैं यहाँ की, उनके बारे में जानेंगे कि कितनी मान्यताएं सही हैं, क्या कुछ यहाँ की मान्यताएं हैं पंडित जी हमें बताएंगे। पंडित जी आप बताइए कि यहाँ इस मंदिर की सबसे खास मान्यता क्या है और इस मंदिर को लेकर कहा जाता है रावण का मंदिर है, इसके पीछे की क्या वजह है? ये भैया रावण की जन्मभूमि, इसकी वजह से इसको रावण का मंदिर कहा जाता है। यहाँ जो है रावण का जन्म हुआ है, रावण के दादाजी का जन्म हुआ, रावण के पिताजी का जन्म हुआ, एक तरह से जो रावण का वंश है वो यहीं से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ को लेकर ये भी मान्यता है कि जैसे कि अब दशहरा आने वाला है, ठीक है, तो दशहरा के दिन जगह जगह पर रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि यहाँ पर बिसरख में ऐसा कुछ नहीं किया जाता, पुतला दहन नहीं किया जाता, रावण की पूजा की जाती है, तो ये बात सच है? भैया यहाँ रावण को अपना घर का सदस्य मानते हैं, जैसे आपके घर के सदस्य को आप शब्द नहीं बोल सकते हैं, कोई आपका बुजुर्ग हो, पित्र हो, उनको आप शब्द नहीं बोल सकते, वैसे ही यहाँ है, किसी को हम आप शब्द नहीं बोल सकते हैं, अब वो अपने घर का व्यक्ति मानते हैं, इसकी वजह से यहाँ रावण नहीं जलाया जाता है। पुतला दहन वाली बात बिल्कुल सच है, मतलब पुतला दहन नहीं किया जाता, कभी भी नहीं किया गया, कभी भी नहीं। अच्छा, एक चीज यहाँ की और भी बोली जाती है कि मान्यता ये भी है कि मातम मनाया जाता है, ऐसा कुछ है क्या कि मातम मनाया जाता है? ऐसा यहाँ मातम ऐसा कुछ नहीं मनाया जाता, मतलब बहुत साल पुराना पत्थर, जब रावण जब हुआ करते थे उस टाइम का पत्थर है ये। अच्छा, गुफा के बारे में आप बता रहे हैं कि ये गुफा यही वो गुफा है? हाँ जी, यही वो गुफा है जो गाजियाबाद दुग्धेश्वर नाथ मंदिर जाती है। अच्छा, तो ये इसका गुफा का दुग्धेश्वर महादेव मंदिर का आप बता रहे हैं, उससे क्या कनेक्शन है? यहाँ से उनके पिताजी पूजा करने जाते हैं, रावण के पिताजी। जी, रावण भी जाते थे पूजा के लिए? अब रावण का तो लेख नहीं मिलता है, लेकिन उनके पिताजी का बताया जाता है। अच्छा, और इसके अलावा और क्या मान्यताएं हैं जो लोग बोलते रहते हैं यहाँ के मंदिर के बारे में? एक तो आपने बताई कि यहाँ पर रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता है, इसके अलावा और भी कुछ है? ऐसी तो यहाँ कई मान्यताएं हैं, यहाँ जैसे पुतला नहीं जलाया जाता है, और बकाया क्या ही है जो क्या बताएं आपको। तो आपने सुना पंडित जी को, तमाम मान्यताओं के बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण एकदम दिया है, स्पष्ट किया है चीजें, जो कि लोगों के बीच कई भ्रम वाली चीजें भी होती हैं, भ्रम वाली स्थिति भी होती है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि क्या कुछ है। गुफा के बारे में पंडित जी ने बताया, ये गुफा बहुत प्राचीन गुफा है और कहा जाता है कि रावण के जो पिताजी हैं वो इस गुफा से दुग्धेश्वर महादेव की पूजा अर्चना के लिए जाते थे, यहाँ पर भी जो शिव मंदिर में शिव जी हैं उनकी पूजा करते थे, उसके बाद फिर गाजियाबाद जाया करते थे, तो वो यही गुफा है जिसके माध्यम से वो जाया करते थे। और साथ ही साथ कई पुरानी चीजें भी बताई हैं कि रावण का पुतला यहाँ पर दहन नहीं किया जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि रावण इनके परिवार का सदस्य है, जय रावण इनके घरों में, यहाँ पर जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उनके घरों में लिखा होता है, रावण को अपने घर का सदस्य यहाँ के लोग मानते हैं। गांव में विजयदशमी पर्व को लेकर स्थानीय लोगों के बीच किस तरह की मान्यताएं हैं, लोगों का इस पर्व को लेकर क्या कुछ कहना है, ये जाना हमारी संवाददाता आकांक्षा त्रिपाठी ने। देश भर में दशहरा मनाया जाएगा और दशहरे के दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है, जहाँ पर देश भर में यही परंपरा फॉलो की जाती है, लेकिन अभी इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये रावण का प्राचीन मंदिर बोला जाता है और ये बिसरख में, ग्रेटर नोएडा के बिसरख में स्थित है, और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता, यहाँ पर रावण की पूजा होती है। इस तरह से कई तरह की मान्यताएं यहाँ पर हैं, कई तरह की बातें लोग यहाँ पर बोलते हैं इस मंदिर को लेकर, इस जगह को लेकर, क्या कुछ सच्चाई है उन बातों के पीछे, क्या कुछ मान्यताओं के पीछे सच्चाई है, ये चीज़ आज हम आपको बताएंगे। इंडिया वॉइस की टीम यहाँ पर पहुँची है और यहाँ पर
पूरे सच का हम पड़ताल करेंगे, हम पता लगाएंगे कि मान्यताओं में कितनी सच्चाई है। तो चलिए मंदिर में चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ की मान्यता है, क्या क्या मान्यताएं सच हैं, क्या क्या मान्यताएं झूठी हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी भी हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। ये लोग तो बहुत दूर दूर से आए हैं इस मंदिर में, जैसे कि हम बता रहे थे आपको कि मंदिर की बहुत मान्यता है, लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, तमाम तरह की चीज़ें इस मंदिर को लेकर कही जाती हैं। तो उसी को लेकर ये मंदिर बड़ा फेमस है और लोगों को जब पता लगता है कि रावण का पुतला यहाँ पर दहन नहीं किया जाता, पूजा की जाती है, ये हैरानी की बात, लोगों को हैरानी लगती है इस बात से और लोग यहाँ पर इसीलिए पहुँचते हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी भी आप यहीं रहते हैं, इस मंदिर के बारे में क्या पता है? पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं कि रावण की पूजा की जाती है। अच्छा, क्या क्या मान्यता है यहाँ के मंदिर की? ये अष्टकोण शिवलिंग है, जो यहाँ से मतलब जो ये गुफा जा रही है, ये गाजियाबाद मंदिर दुर्गेश्वरनाथ मंदिर है, वहाँ पर जा रही है, वहाँ से मतलब उनके पूर्वज से यहाँ से पूजा करने जाते हैं। तो यहाँ पे क्या रावण की पूजा की जाती है, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं रावण की पूजा होती है? रावण यहाँ का पूर्वज है, इसलिए पूर्वज मानते हैं। ये मंदिर किसका मंदिर है, क्या जानते हो उस मंदिर के बारे में, क्या मान्यताएं हैं? ये रावण का मंदिर है, यहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। अच्छा, अगर दशहरा हो पूजा करी जाती है रावण की। तो सुना आपने, छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ की मान्यताएं बताएं कि क्या कुछ है इस मंदिर के लिए खास। एक और जहां आए दिन देश में और खास तौर पर यूपी में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे किए जाते हैं, अपराध के मामले सामने आते हैं, जहां धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया और लड़वाया जाता है, वहीं दूसरी ओर एक मुस्लिम परिवार इस तरह से असामाजिक तत्वों के लिए आईना दिखाने का काम कर रहा है। दशकों से यह मुस्लिम परिवार रावण के पुतले का निर्माण कर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम किए है। मुस्लिम कलाकार का रावण कनेक्शन देखिए पर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक मुस्लिम परिवार ऐसा भी है जो साल में एक माह की छुट्टी लेकर दशहरे के पर्व के लिए रावण का परिवार तैयार करता है, जो कि दोनों समाज के लिए सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देने का काम कर रहे हैं। रफीक नाम का मुस्लिम कलाकार इस बार रावण और कुंभकर्ण और मेघनाद का 60 फुट से लेकर 45 फुट तक तीनों का रावण बना रहे हैं। तो वहीं इस बार दशहरे पर एक अलग से भ्रष्टाचार का भी पुतला बनाया जा रहा है, जो कि दशहरा पर दहन किया जाएगा। ये रावण का जो कार्य है, ये हमारे पापा के टाइम से चला रहा है, करीब 60 साल से, और बचपन से हम भी यही काम करते आ रहे हैं। बाकी जो डेली वाला जो हमारा काम है वो दूसरा है। मैं गाड़ी के इलेक्ट्रिशियन हूँ और इस काम के लिए मैं एक महीने की छुट्टी करके स्पेशली ये काम करता हूँ। क्या कारण है इसके पीछे, क्या धार्मिक भावनाएँ हैं आपकी? धार्मिक भावनाएं तो अच्छी हैं कि भाई सारे अपने एक साथ मिलें, हिंदू मुस्लिम सारे कार्यों में कोई अरक फरक नहीं रहना चाहिए और अपने सबको एक साथ मिलके सारे काम करने चाहिए। दरअसल मुजफ्फरनगर के नोवल्टी चौक निवासी रफीक का परिवार सांप्रदायिक सौहार्द की वह मिसाल है, जो कि मुस्लिम होने के बावजूद भी पिछले 60 सालों से रावण के परिवार को बनाकर दशहरे पर हिंदू भाइयों को देता है। आपको बता दें कि रफीक का रावण कनेक्शन उसके पिताजी के समय से जुड़ा हुआ है, जब वो बचपन से अपने पिता के साथ मिलकर रावण को बनाते हुए देखता था। वहीं रफीक का कहना है कि इस बार इन तीनों रावणों के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी पुतला बनाया जा रहा है, जिसे दशहरे पर इनके साथ दहन किया जाएगा। इंडिया वॉइस के लिए मुजफ्फरनगर से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट।
इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जलील जुड़ गया। जलील, जिस तरह से कार्यक्रम रखा गया है, विजयदशमी का पर्व है, और क्या कुछ कार्यक्रम और क्या कुछ किया जाएगा आज? गया है जिसमें पुतलों का दहन किया जाएगा और बुराई पर अच्छाई की जीत का जो है पर्व यहाँ पर मनाया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो चारों तरफ यहाँ पर पुलिस जो है व्यवस्था कर दी गई है। 120 पुलिसकर्मी, 20 दरोगा, एक प्लाटून पीएसी, साथ ही पुलिस का आला अफसर भी यहाँ पर मौके पर निगाह बने हुए हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था भी चौक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर फायर ब्रिगेड गाड़ी भी खड़ी की गई है। रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरा इंतजाम यहाँ पर कर लिया गया है। 30 से 40 हजार की भीड़ यहाँ पर शाम 6:30 बजे तक जुटनी शुरू हो जाएगी। जी जी बिल्कुल जाहिर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।